नमस्कार दोस्तों, राम कला से दोस्तों प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करूंगा कि सुगर यानी पिग जो है वर्ष में कितनी बार बच्चा करती हैं, यानी कितने महीने में वो बच्चा करती हैं, साल में कितनी बार बच्चा करती हैं। ऐसा दोस्तों आप लोगों का अक्सर कमेंट आता रहता है, तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आल पर क्लिक करें। नीचे जो है लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा है उसे क्लिक करके बेल आइकन आल लिखा है उस पर क्लिक कर लें, ताकि ऐसा ही हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपके मन में कोई सवाल सुझाव रह जाता है नीचे कमेंट जरूर करें। तो सर जी आपका नाम क्या है? कल्लू। पूरा यहाँ का पता बता दीजिए, गांव आपका? जिला प्रतापगढ़, रानीगंज थाना, पोस्ट बाहुपट्टी, गांव सहा क्षेत्रा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। आप जो है कितने पिक से शुरुआत किए थे? हमने एक पिक से शुरुआत किए थे, अभी हमारे पास तो सात सोलह ही हो गए हैं। सोलह हो गए हैं बच्चे लेके। तो बच्चे इसके कहाँ पर है? इसके घर, बच्चे घर पे, घर पे है। तो आप जो है एक पिक से शुरू, मादा थी, गर्भवती लाए थे कि वैसे? नहीं नहीं, उसे लिया थे। तो कहाँ से मतलब क्रास हुई? अपने घर में क्रास हुआ थे, एक दूसरे के रहे है, दूसरे पास था। हाँ, एक नर एक मादी लिए थे, उसे क्रास किए थे। तो इसी से आपके पास जो है सोलह है अभी? हाँ, सोलह। तो इसमें जो है कितने नर है कितने मादा है आपके पिग में? अभी बात तो यहाँ तो एक नर है। हाँ। और बाकी नर घरे हैं, बच्चे भी छोटे छोटे हैं, छोटे बच्चे हैं। तो इसमें से कितनी मादा बच्चा किए हैं, कितना नहीं किए हैं? इसमें से दो मादी किए थे बच्चे। हाँ। एक मादी ने कोई बच्चा ने मार दिया है, उसको चराने गए थे, यानी उसको मार दिया। कौन सी मादी? जो बड़ी वाली दिख रही है ना, काली, काली वाली से। तो दोस्तों जो एक काली वाली दिख रही है, ये जो कितना बच्चा दिया था? नौ बच्चे दिए थे। नौ बच्चा किया था, नौ भी बच्चे मर गए। हाँ, मरे पैदा हुए। मरे पैदा हुए दोस्तों, इसका कारण क्या है इनसे हम जान लेते, क्या कारण हो सकता है? कारण यही हो सकता है कि जो बच्चे चरा रहे थे, आपके लड़के जो चराने के लिए आए थे, वो भागने में नहीं भाग पाती थे, और सुगर भाग गई घर, तो मार पीट के उसको दौड़ा के ले गया है। यानी कि उसको दौड़ाया ज्यादा दिया होगा, या हो सकता है डंडा से मार भी दिया होगा, क्योंकि बच्चे उनको समझ में नहीं आता होगा कि किस तरह से क्यों नहीं चल रही है। इसको इतना नहीं पता कि गर्भवती है तो धीरे धीरे चलेगी, थोड़ा स्लो इसका चाल रहेगा। हाँ, और इसके चलो गुस्से में वो मार दिया। हाँ, तो यही उसको चोट लग जाने की वजह से। हाँ, बच्चे मर गए सर, मतलब पैदा हुए तभी मर गए। हाँ, पैदा होते कि मरा रहे सर, मरे थे। और जो दूसरी मादा थी कितना बच्चा दिया था आपका? नौ रहे, नौ बच्चा। तो नौ बच्चे से कितना बच्चा था पहली वाले से? पहले वाले से वही बच्चे है, तीन बच्चे मरे हैं और बाकी सब बचे हैं। तीन बच्चे मर गए थे, वो किस कारण से मर गए होंगे? वो माँ जो माँ पिलाती थी। हाँ। वो उसके पास नहीं इतना दा रही ही कि हमारे पास बच्चे हैं, मतलब पहली बार बच्चा दिया था, पहली बार बच्चा दिया थे, वो लेटने में बच्चे दबा गए, तो आप ध्यान नहीं दे पाए। हम रात को ध्यान नहीं दे पाए। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है, अगर आप शुगर पालन किए हैं तो आपको खास ध्यान रखना है कि अगर आपकी शुगर यानी पिग बच्चा करती है तो उसे जो है खास तौर पर आपको ध्यान देना है। अगर ध्यान नहीं दे पाएंगे तो जो बच्चा दिया है वो माँ ही उसे मार देगी। तो कौन सी थे जो उसके तीन बच्चे मर गए, इसमें से कौन सी मादा थी? वो बीच वाली है, ये बीच वाली। तो दोस्तों जो देख रहे हैं बीच वाली, ये मादा पहली बार बच्चा दिया था ना, पहली बार बच्चा दिया था, इसके कारण जो है वो जो बच्चा दिया उससे जो है वो दबा दिया, तीन बच्चे मर गए। और जो तीसरी वाली मादा है कौन सी है जो बच्चा दिया था? वो गई है। तो दोस्तों वो जो आगे दिख रही है आपको, ये जो है तीसरी वाली मादा है। तो इसमें जो है क्या, कितना बच्चा दिया था इसने? दिया था दस, दस बच्चे। दस बच्चे में कितने बच्चे हैं अभी? बच्चे खत्म हो गए, दो बच्चे। तो इसको भी बच्चा करने के बाद आप जान पाए थे कि नहीं? हाँ, इसको जान पाए थे, जान पाए थे। तो भी दो खत्म हो गए, उसमें क्या कारण हो सकता है खत्म होने का? उसमें कारण यही हो सकता है। हाँ। छोटे छोटे बच्चे थोते हैं। हाँ। कोई बच्चे बच्चे ऊपर चढ़ जाते हैं। अच्छा अच्छा, खाते हैं, उस पर भी आप ध्यान नहीं दे पाए। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं इसके भी दो बच्चे खत्म हो चुके हैं। अब आते हैं ये नर, इन्नर जो है आपके कौन सी नस्ल के हैं ये जो पिग आप लिए हैं? ये हमारा नर है क्या कहते हैं, दोगलम का है। दोगला है, यानी कि जो देसी थोड़ा ऊपर। हाँ, यानी क्रास है देसी से बड़े नस्ल जो होते हैं। इसकी माँ तो लार्ज वाइट हो सकता है, माँ इसकी बड़े से। हाँ। देसी से बन गई थे इसलिए छोटा बन गया। अच्छा अच्छा, तो इसका जो है वेट कितना होगा? अरे इसका वेट होगा 10-11 महीना का, ये 10-11 महीना। वजन कितना होगा लगभग? लगभग होगा 60 फुट के लगभग, 60 केजी।
तो इसका क्या रेट से बिकता है? इसका 200 में 250 में बिकता है। जैसे आपके यहाँ से कोई खरीद कर ले जाता है तो क्या रेट देते हैं आपको? 200 में 250 में 500 में 600 में। नहीं नहीं, किलो के हिसाब से। किलो के हिसाब से गोश्त लेगा तो 200-150 में देगा, उसका जो चर्बी होता है तेल वाला उसको 400-500 में देगा वो। अच्छा, इसमें चर्बी महंग बिकती है इसकी। चर्बी से महंगा है। तो आप जो है यहाँ बेचते हैं कितने रुपया किलो केजी हिसाब से, की अंदाज बस जाता है आपका? हम लोग ऐसे अंदाज से मारते हैं इसको। अच्छा अच्छा, कि इतना केजी को होगा, केजी होगा, और जो ले जाएगा भाई 1000-1200 तो लेगा जरूर। तो इसमें आपका एक अंदाज कितना वजन होगा इस नर का? इस नर कहाँ है, हम तो अंदाजे 60 है, मतलब जो लेगा वो 50 का भाव देगा। अच्छा, मान लो 60 आप अंदाज लिए हैं, अगर इसको कितना रेट में जाएगा? ये जाएगा 200। मान लो अगर 200 रुपए में जाता है तो 2×6 = 12, यानी आपको 10-12 हजार रुपए मिल जाएगा। तो ये जो इसके बच्चे दिए हैं आपके, ये मादा जो ये तीनों, मान लो एक तो खत्म हो गया पूरा, अभी दोनों मिलाकर कितने बच्चे पड़े हैं आपके पास? अभी पड़े हैं 11। तो 11 जो पड़े हुए हैं, ये कितना महीने तक दूध पीते हैं? कितना महीने तक दूध पियेंगे? दूध पियेंगे 4-5 महीने। 4-5 महीने पियेंगे। हम उनको बेचना होगा तो 1 महीना बाद इसको बच्चा पूरा फिनिश बन जाएगी, फिर हमारा 3 महीने बाद 4 बच्चे हो जाएंगे। तो ये जो है बच्चा की कितने दिन हुए जो काली वाली है? अभी आज लगभग 8 और दिन हुआ है। तो 8 दिन हुआ थे, अभी हीट पे कितने दिन पे आएगी? तुरंत आ गई थी, आ गई तीसरे दिन आ गई थी। तो ऐसे कि मतलब कि जैसे कि बच्चा करने के बाद तीसरे दिन हीट पर आ जाती हैं क्या है? हाँ, आ जाती है, गर्म होती है बहुत ज्यादा ना। यानी कि बच्चा मरने की वजह से? क्या बच्चा मरने की, क्योंकि बच्चा दूध पिया नहीं। हाँ हाँ, तो गर्म कहाँ जाए, दूध गर्म होता है बहुत ज्यादा। तो दोस्तों ये देख लीजिए, ये भी एक इसमें पॉइंट है कि जैसे अगर बच्चा कर दिए हैं आपका पिग, बच्चा सब मर गए हैं, दूध नहीं पिया जा रहा है, उसका बच्चा नहीं पी रहा है, तो क्या है कि ये 8-10 दिन में हीट पे आ जाती है, ऐसे जैसे क्रास हो जाएंगी। हाँ, तुरंत क्रास होगा। तो ये जो है क्रास हो जाती हैं, तो ये बताइए कितने महीने में जो है, वर्ष में कितनी बार बच्चा करती है? 8 महीने में 2 बार करेंगे। 8 महीने में 2 बार, यानी ये 4 जैसे क्रास हो गई, तो क्रास होने के कितने दिन बाद बच्चा करती, कितने महीने बाद? 4 महीने। यानी अगर सही समय पे हीट पर आ जाती हैं, सही समय पर क्रास होती हैं, तो साल भर में 2-3 बार बच्चा कर देंगी। क्योंकि करेंगे इसको बच्चा हटाना पड़ेगा, तब कर पाएगी। कब करेगी, यानी कितने महीने बच्चे हटा देने पड़ेगा? जैसे 1 महीने के बच्चे हो गए, हम हटा दिए, तो 15-20 दिन बाद फिर हीट पे आ जाएगी। 15-20 फिर भी आए, फिर 15-20 दिन बाद फिर गंडाओ, फिर हीट पे आ जाएगी वो। यानी कि खुराके भी लगेगी उसके साथ। अच्छा, यानी कि बच्चा अगर बिक जाता है तो दूध पियेंगे नहीं, दूध नहीं पियेंगे। जब दूध बंद कर देंगे तभी हीट पे आएंगी, जब तक दूध पियेंगे हीट पे नहीं आएंगी। यानी कुछ लोग तो मान लो 2-2.5 महीने में जो है बच्चे को हटा देते हैं, यानी जो उनका बच्चा होता है 2-2.5 महीने लगभग। चारा कितने महीने में खाने लगते हैं बच्चे? बच्चे तो कम 20-22 दिन हो जाएंगे तो हल्का हल्का हल्का। पूरी तरह से कितना महीने में खाएंगे? 2-2.5 महीने में खाने लगेंगे, 1.5-2 महीने बाद खाने लगेंगे पूरा फुल खाना। तो जैसे बेचना है तो 2 महीने बाद हम बेच सकते हैं। जैसे 2 महीने के बाद हम इसको पूरे बच्चे बेच दिए, तब एक कितना दिन में हीट पे आती है? ज्यादा 10-8 दिन के अंदर हीट पे आ जाएंगी। तो दोस्तों इसी तरह भी ये भी ध्यान रखना होगा हमें, हीट पर अगर सही समय पर और भी जल्दी लाना है तो आपको बच्चे जो है जल्दी बेचना पड़ेगा। जितनी जल्दी बच्चा बेच देंगे उतनी जल्दी वो हीट पर आएंगी और उतनी जल्दी गर्भवती होंगी। गर्भवती होने के लगभग 4 महीने बाद ये बच्चा कर देंगी। तो दोस्तों जैसे गर्भवती हो गई तो 4 महीने बाद ये बच्चा कर देती है, और इनको खिलाने में क्या क्या हम खिला सकते हैं? इनको कना खिला दो, बरसिंग खिला दो, चरी हो बाल के खिला दो। जैसे चरी है बाल कर देना पड़ेगा, बरसीम भी बाल कर देना पड़ेगा कि वैसे देना पड़ेगा? वैसे देना पड़ेगा, थोड़ा खराब होगा बाल, खराब होगा रखा जाएगा। यानी कि अगर हम उसको छोटा छोटा टुकड़ा करके दे देते हैं, अगर कोई छोड़कर नहीं चराना चाहता तो सिर्फ यही खिलाएं, जो कि चरी, बरसीम, कना। कना खिलाने से कितने, जैसे कना इसको आप खिलाना चाहते हैं, जैसे आपके पास 6 पिग हैं अभी, तो दोस्तों इनके पास 6 पिग हैं, तो इन्हें जैसे कना आप खिलाकर घर पर ही पालना चाहते हैं, तो कना पहले दिन में कितना खाएंगे? पहले दिन में अभी तो ये खाएंगे कम से कम, नहीं तो 10 किलो खाएंगे। 10 किलो एक दिन में? एक दिन में मतलब उसके बाद
चार छह दिन बाद एक किलो आधा किलो एक किलो आधा किलो बस आ जाएंगे। तो दोस्तों एक और इसमें खास बात है, जैसे आप शुरुआत में पिग इनकी जैसे पिग हैं इनको छोड़कर चराया गया है, अगर इन्हें आप रखना चाहते हैं कि हम जो है अपने इस पिग को कना खिलाकर रखें, तो कना क्या है पहले दिन ज्यादा खाएंगी क्योंकि उनका आत्मा भरा नहीं है, संतुष्ट नहीं है खुराक से, तो ये लगभग पहले दिन दूसरे दिन तीसरे दिन खुराक उनका ज्यादा रहेगा। फिर धीरे धीरे जब जैसे समय बीतेगा उसके हिसाब से उनका जो है कम होता चलेगा। फिर कितना तक कम पे आ जाएगा, एक एक टाइम कितना खाएंगे? जो बच्चे से खिलाना जाते चाहते हैं ज्यादा ज्यादा जैसे आदमी के एक खुराक लगता है बस उतना खाएंगे। अच्छा अच्छा, क्योंकि वो चल नहीं पाएंगे, फुल रहेंगे एकदम। इनको क्या कहते हैं, सोडा भी दिया जाता है, नमक भी दिया जाता है, नमक खोलने के लिए मुटाने के लिए। अच्छा अच्छा, इसलिए उनको खाना कम हो जाएगा, खाना कम हो सट जाएगी, चल नहीं पाएंगे, खाएंगे क्या वो। मतलब कि जैसे शुरुआत में खिलाना चाहता है कोई तो दो तीन दिन ज्यादा खाएंगे, उसके बाद एक किलो पे आ जाएंगी ये सब, एक किलो आ जाएंगे एक टाइम में। एक टाइम। तो दोस्तों जैसे अगर आप ऐसे भी शुरू कर रहे हैं कि हम इसे छोड़कर नहीं चराते, तो क्या है जैसे छोड़कर नहीं छोड़कर चराई गई है पिग, तो वो क्या है कि शुरुआत में ज्यादा जो है ये चारा खाएंगी, राशन जो आप देंगे उसके बाद जो है धीरे धीरे वो एक किलो सुबह एक किलो शाम पर आ जाएंगी, और आप उसी तरह से लगातार खिलाते चले जाएंगे, और इसको आप बरसेम दे सकते हैं, चरी दे सकते हैं, सब कुछ ये खाएंगी। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल सुझाव रह जाता है तो आप जो है नीचे कमेंट कर सकते हैं।